हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल न्यू टेक इजी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन सर चाइनीज ऐप को बैन को लेकर। एक्चुअली यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे हैं कि अभी तक जो है बैन नहीं हुआ है, बैन होगा कब तक प्ले स्टोर से, कब तक ये जो है गायब होंगे ये सारे के सारे ऐप्स, अभी भी हम इनको डाउनलोड कर पा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहे हैं कि यदि हमने जो है पहले से इंस्टॉल करके रखा है, जो अभी भी हमारे जो है मोबाइल में टिकटॉक है, तो क्या हम उसको यूज कर पाएंगे आगे भी, या फिर कि वो अपने ऑटोमेटिक अनइंस्टॉल हो जाएगा, या फिर क्या होगा उसके साथ। और यहाँ पर एक जो है सवाल आपके सामने बार बार उठ कर आ रहा है कि अभी तक पबजी बैन क्यों नहीं हुआ। पबजी भी तो एक चाइनीज ऐप है, लेकिन मैं आपको बता दूं कल वाले वीडियो में मैंने कहा था कि पबजी भी बैन हो गया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ है। मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन पबजी इसके अंदर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि वो भी तो चाइनीज ऐप है, आना तो चाहिए था लेकिन नहीं आया है। इस पूरे वीडियो में इसकी भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे जाएंगे। और भी आपके कई सारे सवाल है कि टिकटॉक वापसी होगी, होगी तो कैसी होगी, कब तक होगी, क्या चल रहा है, पूरा का पूरा हालचाल इसके अंदर बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखे जाएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो गाइस सवाल नंबर फर्स्ट ये उठ रहा है कि आखिर जो है प्ले स्टोर से टिकटॉक कब गायब होगा, कब डिलीट होगा, या फिर जो चाइनीज है वो कब तक डिलीट हो जाएंगे। तो दोस्तों याचिका जो है मतलब जो नोटिस है वो जारी हो चुका है सरकार की तरफ से। और अभी अभी जो है सरकार ने अभी अभी जो नया नोटिस जारी किया उसके अंदर सरकार ने कहा है गूगल प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से कहा है कि आपको 48 घंटों के अंदर हमें जवाब देना होगा, 48 आवर्स के अंदर आपको बताना होगा कि कब तक आप इसे डिलीट करोगे। मतलब 48 घंटों के अंदर आप इन सबको डिलीट करना होगा, बैन करना होगा प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से, उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन यहां पर दोस्तों सवाल नंबर दूसरा आ जाता है कि आपने पहले से इंस्टॉल करके रखा है उसका क्या होगा, क्या आप यूज कर सकते हैं पहले से आपने इंस्टॉल करके रखा है। तो इसका जवाब है नहीं। जितना मुझे पता है मैं भी हो सकता है नहीं, लेकिन यहां पर हो सकता है कि शायद आप यूज कर भी पाओ, लेकिन मैं आपको बता दूं नहीं। लेकिन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक जो है इसकी सूचना जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने नहीं दी है हमें, कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को जो है नोटिस जारी कर दिया गया है उनको भी बैन करने के लिए, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल जारी नहीं हुई है। वो कब तक, जो कि बैन तो होगा वैसे भी होगा, लेकिन कब तक होगा इसकी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि गूगल प्ले स्टोर से आ चुकी है कि वो 48 घंटों के अंदर इसको बैन कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि आखिर टिकटॉक की वापसी होगी, होगी तो कैसी होगी, क्यों होगी और कब तक हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठकर आता है, जी हाँ दोस्तों टिकटॉक की आपसी जो है वापस टिकटॉक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। हाँ 80% पॉसिबिलिटी है इसकी, क्योंकि टिकटॉक से जो है सफाई मांगी गई है आज की। तो टिकटॉक ने अपने फेस जो है जो अपने ट्वीट करके हमें बताया है कि जो है हम बात करेंगे इसके बारे में कि हमने क्या जो है इंफॉर्मेशन जो है लीक की है। हमने कोई भी जो है लीक नहीं की इंफॉर्मेशन अभी तक, क्योंकि टिकटॉक ने इस पर सफाई देते हुए कहा है। हालांकि यहां पर किया क्या जा सकता है वो बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों दो ऑप्शन होते हैं यहां पर इन ऐप्स को बैन करने को लेकर। गलवान घाटी की जो घटना हुई है वो इसके अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदार है, दूसरी चीज है साइबर अटैक्स इसके अंदर जिम्मेदार है। हो गया, यहां पर करेंगे क्या, वो दो चीजों के अंदर जो है वापस हो सकती है टिकटॉक की वापसी कैसे। पहली चीज गलवान घाटी की सिचुएशन पहले जैसी हो जाए, अगर चाइना अपनी सेना पीछे ले ले सारी के सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो। और दूसरी कंडीशन है सारे के सारे चाइनीज एप्स है जो है या फिर टिकटॉक है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से पर जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि हमने ऐसी कौन सी डेटा को लीक किया है और या फिर हमने ऐसा किया क्या है। हालांकि साइबर एक्ट 2000 के तहत इसको बैन किया गया है कि यहां पर सिक्योरिटी सिस्टम के लिए बैन किया गया है, लेकिन फिर भी मांग कर सकते हैं कि हमने तो कोई चाइनीज जो है इंफॉर्मेशन बैन नहीं की है, ये सॉरी इंफॉर्मेशन लीक नहीं की है, और यदि हमने लीक की है तो कौन सी इंफॉर्मेशन की है, हमें पूरा जवाब चाहिए। वहां पर यदि सरकार के पास इसका प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है तो टिकटॉक की वापसी जरूर हो सकती है यहां पर। लेकिन सरकार ने भी सोच समझकर बैन किया है क्योंकि उनके पास भी कुछ तो प्रूफ्स होंगे। नेक्स्ट हाँ, अभी तक पबजी बैन क्यों नहीं हुआ। पबजी बैन को लेकर भी मैं आपको बता दूं अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बैन होने की, लेकिन हो सकता है सरकार आगे इसके बारे में नोटिस जारी करे और पबजी को बैन कर दिया जाए। लेकिन पबजी बैन क्यों नहीं कर सकती, इसके लिए भी कुछ इश्यू है, अभी टेक्निकल इश्यू भी कुछ है कि इसके कंपनी की कॉपीराइट अलग कंट्री से है और यहां पर अलग कंट्री से, इस तरह के कुछ टेक्निकल इश्यू है वो आपको डीपली समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन एक सीधा सीधा सा आप भी समझ लीजिए, बच्चे खेलते हैं आजकल गेम पबजी, हो सकता
सकता है, मैं तो कहता हूँ टिकटॉक से भी हो सकता है, हो सकता है कि वो गलत स्टेप उठा ले एकदम से यदि इस गेम को बंद किया जाए। अभी एप्स को बंद किया है तो हो सकता है वो पहले से सतर्क हो जाए कि हमें छोड़ देना चाहिए, आगे क्या होगा, इसलिए पहले इनको बैन करेंगे बाद में इनको बैन करेंगे, हो सकता है ऐसा, मे बी पॉसिबल है। और यदि ये बैन कर दिया जाता है रातों रात ही, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इंडिया में कितने सुसाइड अटेम्प्ट हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। बच्चे जो है इस गेम के एडिक्ट हो जाते हैं पूरी तरह से, जो इसकी लत में पड़ जाते हैं, और जो है अचानक से बैन करना बहुत सी जानों को लेने के बराबर हो जाता है यहाँ पर, तो इसका रिस्क गवर्नमेंट नहीं लेना चाहती थी। हाँ तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऑफिशियल ट्वीट भी बहुत से लोगों के मैंने पढ़े, वहाँ पर उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यदि जो है इन एप्स को कोई वीपीएन के थ्रू यूज करेगा तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है वीपीएन एक्चुअली होता क्या है। वीपीएन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक्चुअली होता क्या है, ये एप्स जो है, जो ये ऐप है वीपीएन एप्स होते हैं, इसी तरह के एक एप्लीकेशन मान लीजिए वीपीएन एप्स, आपको प्ले स्टोर पर बहुत सारे मिल जाएंगे, इंडियन भी मिल जाएंगे, अदर कंट्रीज के भी मिल जाएंगे। जैसे आपने वीपीएन को कर दिया इंस्टॉल कर दिया, और वो आपको क्या करेंगे, आपके सर्वर को कनेक्ट कर देंगे, मतलब आपका सर्वर जो अभी जितनी भी आप वेबसाइट विजिट करते हो अपने मोबाइल के अंदर वो इंडियन सर्वर से विजिट होती है। लेकिन जैसे ही आपने वीपीएन से कनेक्ट कर दिया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, अब आपको वो सर्वर जो है अपने इंडिया का सर्वर नहीं होगा, वो किसी अदर कंट्री का सर्वर लेकर आएंगे या फिर कहीं और का जो है सर्वर लेकर आएंगे, और उस सर्वर से आपकी सारी वेबसाइट और आपकी जो है जितना भी इंटरनेट चलेगा वो उस सर्वर के माध्यम से चलेगा, यहां पर उस सर्वर के माध्यम से चलेगा। तो एक्चुअली होगा कि अब आपका जो टिकटॉक है वो इंडिया से नहीं चल रहा, किसी अदर कंट्री से चलेगा, वहां पर वो सर्वर जो है सर्वर हमें प्रोवाइड करवाएगा। तो उस तरह से भी एप्लीकेशन को चलाया जा सकता है बैन होने के बाद में भी, हालांकि पहले से भी काफी वेबसाइट हम चला रहे हैं वो जो बैन है इंडिया के अंदर, जैसे पोर्न वेब सीरीज हो गई वो अभी भी बैन है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी वीपीएन का यूज करके काफी लोग देख रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं इसके ऊपर भी जो है कोई ना कोई ऑफिशियल ट्वीट आने वाला है सरकार का, अभी तक गवर्नमेंट ने फैसला नहीं दिया है, आसाम 4 बजे तक आ सकते हैं क्योंकि हमारे मोदी जी आसाम 4 बजे लाइव आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी, यदि टिकटॉक से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो तुरंत वीडियो सबसे पहले वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, और यदि आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, मतलब बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।